यस, हेलाइट के अंदर अपन नाभिक शनि प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात कर रहे थे। इससे पहले SN1 और SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात की थी हेलाइट के अंदर। आज अपन आगे यदि बात करें उसके बाद, जैसे कोई भी एल्किल हेलाइट है, आज अपन ये कहेंगे भाई कोई भी एल्किल हेलाइट उसकी कुछ अन्य कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराएं, तो नाभिक शनि प्रतिस्थापन अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो अपन कहेंगे जैसे नाभिक शनि प्रतिस्थापन अभिक्रिया के फलस्वरूप हेलाइड से साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्कोहल, ईथर, थायो ईथर, नाइट्रो, नाइटाइट, एस्टर, ये अपन कुछ कंपाउंड जो है वो हेलाइड से नाभिक शनि प्रतिस्थापन अभिक्रिया के फलस्वरूप बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले अपन बात करें किसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन यदि अपन यहां पर केसीएन के साथ कराएं तो क्या होगा। तो ये एल्किल हैलाइड, यहां पर केसीएन जो कंपाउंड है वो आयनिक कंपाउंड है, तो के प्लस एंड सी एन माइनस न्यूक्लियोफाइल है। तो ये जो सी एन न्यूक्लियोफाइल है इसका कार्बन पे नेगेटिव है, ये आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल यहां आक्रमण करेगा और यहां से एक्स का प्रतिस्थापन करेगा, अर्थात नाभिक शनि प्रतिस्थापन अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बन जाएगा यहां पर साइनाइड, और यहां से ये के प्लस और एक्स निकल जाएगा। तो कोई भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, याद यहां रखना, किसी भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कहीं भी साइन केसीएन के साथ कराएं तो हमेशा साइनाइड बनेगा, क्योंकि केसीएन के साथ कराने पर के प्लस सी एन माइनस, ये कंपाउंड कैसा है आयनिक, आयनिक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो सी एन माइनस बना, इस सी एन माइनस न्यूक्लियोफाइल का आक्रमणकारी परमाणु जो होगा वो यहाँ पे कौन होगा, ये कार्बन, और ये यहाँ पे आक्रमण करेगा और सी एल का प्रतिस्थापन करेगा, तो यहाँ पे ये बन जाएगा साइनाइड, ठीक है ना। तो इस प्रकार एल्किल हैलाइड की रिएक्शन केसीएन के साथ कराएंगे तो नाभिक शनि प्रतिस्थापन अभिक्रिया के फलस्वरूप बनेगा साइनाइड। अब इसके साथ एक बात और जो ध्यान रखनी है भाई, जैसे ये साइनाइड है, कोई भी एल्किल हैलाइड एल्किल साइनाइड लिया आपने, इसका जलपकड़न की बात करें, पूर्ण जलपकड़न कराएंगे तो क्या बनेगा, आंशिक जलपकड़न कराएंगे तो क्या बनेगा। डाइल्यूट एससीएल के साथ लेंगे ठीक है ना, तो पूर्ण जलपकड़न होगा, और कंसंट्रेटेड एससीएल के साथ लेंगे तो कैसा होगा, आंशिक जलपकड़न होगा, ठीक है ना। तो यहां पर पूरी मैकेनिज्म आगे अपन जब साइनाइड की बात करेंगे तो एसिड के डेरिवेटिव और साइनाइड आइसोसाइनाइड, वहां पर अपन पूरी मैकेनिज्म के साथ डिटेल से इसकी बात करेंगे। यहां पर एक बार आप डायरेक्ट ध्यान रखना है कि साइनाइड का यदि डाइल्यूट एससीएल के साथ कराएंगे तो आंशिक जलपकड़न होगा, सॉरी पूर्ण जलपकड़न होगा, और पूर्ण जलपकड़न से क्या बनेगा, एसिड, ठीक है, और आंशिक जलपकड़न से बनता है एमाइड। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्लस सोडियम प्लस एल्कोहल, ये अपचायक है, ये रिडक्टेंट है, और इन रिडक्टेंट के द्वारा जो है इसका साइनाइड का अपचयन होगा और उससे क्या बनेगा, एमीन, कौन सी एमीन, 1 डिग्री एमीन। रिडक्शन का अर्थ है हाइड्रोजन जुड़ना होगा, या हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएंगे तो आर डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, आर CH2 NH2 एमीन बन जाएगी 1 डिग्री एमीन। तो यहां पर एक बार आप ना ध्यान रख लें कि भाई ये ग्रुप है साइनाइड, इस साइनाइड का पूर्ण जलपकड़न होगा तो बनेगा एसिड, कहीं भी साइनाइड ग्रुप आ जाए, और डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 ठीक है ना दिया जाए तो साइनाइड का पूर्ण जलपकड़न होगा, और पूर्ण जलपकड़न से साइनाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। और कंसेंट्रेट H2SO4 ले ले या कंसेंट्रेट HCl ले ले, कंसेंट्रेट H2SO4 या कंसेंट्रेट HCl ले ले, तो इसका आंशिक जलपकड़न होगा, और आंशिक जलपकड़न से क्या बनेगा, एमाइड। तो ध्यान रखना साइनाइड के आंशिक जलपकड़न से एमाइड और पूर्ण जलपकड़न से एसिड बनता है। मैकेनिज्म जैसे कि बताया, आगे एन कंटेनिंग पढ़ेंगे, वहां पर पूरी बात डिटेल से करेंगे। आगे रिएक्शन विद AgCN, AgCN के साथ कराएंगे तो नाभिक शनि प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा आइसोसाइनाइड बनता है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई एल्किल हैलाइड की केसीएन के साथ कराते हैं साइनाइड बनता है, और एल्किल हैलाइड की AgCN के साथ कराते हैं आइसोसाइनाइड बनता है, क्यों, ठीक है ना, कि एल्किल हैलाइड की केसीएन के साथ कराते हैं तो साइनाइड बनता है, और एल्किल हैलाइड की AgCN के साथ कराते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है, ऐसा क्यों। इस बात को जरा समझना कि भाई एल्किल हैलाइड की केसीएन के साथ कराते हैं साइनाइड इसलिए बनेगा कि केसीएन कंपाउंड कैसा है, आयनिक, तो आयनिक कंपाउंड के प्लस सीएन माइनस न्यूक्लियोफाइल बना, तो
तो इस न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण आक्रमणकारी परमाणु कौन होगा? कार्बन। तो ये कार्बन यहां पे आक्रमण करेगा और इसका प्रतिस्थापन करेगा, अर्थात आर से कौन जुड़ा? कार्बन, अर्थात क्या बना? साइनाइड। अब जरा इधर आइए एजीसीएन के अंदर, तो एजीसीएन के साथ यदि इसकी रिएक्शन कराएं एल्किल हैलाइड की, तो एजीसीएन कंपाउंड कैसा है? यहां पर कोवलेंट कंपाउंड है, तो कोवलेंट कंपाउंड है, इसका अर्थ है एजी प्लस और सीएन माइनस, ये आंशिक रूप से वो, बाकी पूर्ण रूप से ये आयनिक इसमें आयोनाइज नहीं होगा। तो आयोनाइज आसानी से नहीं होगा, तो यहां पे जरा ध्यान दीजिए, इसमें आयनिक से कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होने के कारण यहां पर इसका आक्रमणकारी, इस न्यूक्लियोफाइल का आक्रमणकारी परमाणु कौन होगा? नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन पे लॉन्ग पेयर है, ये नाइट्रोजन जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करते हुए यहां पे आक्रमण करेगा और यहां से एक्स का प्रतिस्थापन करेगा। ठीक है, तो आर से कौन जुड़ा? नाइट्रोजन। जब यहां नाइट्रोजन जुड़ेगा तो एजी निकल जाएगा, अर्थात एजी सी एक्स, एजी एक्स निकल जाएगा और यहां पे आर से कौन जुड़ गया? नाइट्रोजन, अर्थात क्या बन गया? साइनाइड। ठीक है, तो जरा ध्यान दें, यदि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन केसीएन के साथ कराएंगे तो केसीएन के साथ कराएंगे साइनाइड बनेगा, क्योंकि ये कंपाउंड आयनिक है, अर्थात न्यूक्लियोफाइल सीएन बनेगा और सीएन का आक्रमणकारी परमाणु कौन होगा? कार्बन, जो यहां पे आक्रमण करेगा, अर्थात आर से कार्बन जुड़ेगा तो साइनाइड बनेगा। जबकि एजीसीएन के साथ कराएंगे, आयनिक से कोवलेंट करेक्टर ज्यादा है, अर्थात आसानी से यहां पर सीएन माइनस न्यूक्लियोफाइल प्राप्त नहीं होगा, तो इसमें आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल का आक्रमणकारी परमाणु कौन होगा? नाइट्रोजन। लोन पेयर किस पर है? नाइट्रोजन पर। तो ये यहां आक्रमण करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करते हुए, तो एक्स का प्रतिस्थापन करेगा, अर्थात आर से कौन जुड़ा? एन, इसलिए क्या बन गया? आइसोसाइनाइड। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। इसी प्रकार से आगे जैसे ये आइसोसाइनाइड जो लिया है, इसका भी पूर्ण जलअपघटन कराएं यदि, ठीक है, तो पूर्ण जलअपघटन कराएंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा 1 डिग्री एमीन और एसिड। यहां पर भी ध्यान दें, ये पूर्ण जलअपघटन कराएंगे, यहां से ये ब्रेक हो जाएगा और इधर वाला पार्ट जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा एमीन में और ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें एसिड के अंदर। ठीक है, तो इधर ये बन जाएगा एमीन, कौन सी एमीन बन जाएगी? यहां पर ये बन जाएगी, यहां पर 1 डिग्री एमीन बन जाएगी और इधर बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। और यदि रिडक्शन कराएं, ठीक है, तो इसका रिडक्शन कराएंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम प्लस एल्कोहल के साथ इसका रिडक्शन कराएं तो अपचयन होगा, अर्थात अपचयन के द्वारा यहां पर हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा तो बन जाएगा RNSCH3, अर्थात कौन सी एमीन? 2 डिग्री एमीन। तो जरा ध्यान रखना, साइनाइड का रिडक्शन कराएंगे तो 1 डिग्री एमीन, आइसोसाइनाइड का रिडक्शन कराएंगे तो 2 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होता है। ये भी आगे अपने एन कंटेनिंग के अंदर आता है साइनाइड आइसोसाइनाइड, वहां पर इसकी साइनाइड आइसोसाइनाइड का रिडक्शन का है, हाइड्रोलाइसिस है, ये सारी बात डिटेल से वहां पर विथ मैकेनिज्म बात अपन करेंगे। तो यहां पर एक बार आपको जो ध्यान रखना है कि भाई साइनाइड का यदि है तो पूर्ण जलअपघटन कराएंगे तो एसिड बनेगा, आंशिक जलअपघटन से एमाइड बनेगा और आइसोसाइनाइड के जलअपघटन से 1 डिग्री एमीन बनेगा और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। यहां एक बार आपको इतनी बात ध्यान रखनी है। चलिए भी आगे अपन बात करें, इसी प्रकार से एल्किल हैलाइड की अन्य कुछ नाभिक शनि प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं लें अपन, जैसे कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अपन यहां पर KNO2 के साथ कराएं या AgNO2 के साथ कराएं, पोटेशियम नाइट्राइट या सिल्वर नाइट्राइट के साथ कराएं तो क्या बनेगा? तो वहां पर KCN और AgCN की तरह ही यहां पर भी बात ध्यान रखना कि यदि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन पोटेशियम नाइट्राइट के साथ कराएं तो एल्किल नाइट्राइट बनता है, जबकि यहां पर सिल्वर नाइट्राइट के साथ कराएं तो नाइट्रो एल्किन बनता है। क्यों? फिर से चुन ले बात को कि भाई एल्किल हैलाइड की रिएक्शन पोटेशियम नाइट्राइट के साथ कराएंगे तो एल्किल नाइट्राइड बनता है, जबकि सिल्वर नाइट्राइड के साथ कराएंगे तो नाइट्रो एल्किन बनता है, ऐसा क्यों? यहां पर भी उसी तरीके से एक्सप्लेन करना जैसे कि अपने केसीएन और एजीसीएन के अंदर किया। तो जरा समझे बात को, यहां पर पोटेशियम नाइट्राइट, सोडियम पोटेशियम का ये कंपाउंड कैसे होंगे? आयनिक। ठीक है, आयनिक कर के प्लस ओ माइनस ये बना, तो ये न्यूक्लियोफाइल कौन है यहां पे? ONO। इस न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण परमाणु कौन है? ऑक्सीजन। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करते हुए यहां आक्रमण करेगा और एक्स का प्रतिस्थापन होगा। ठीक है ना, और प्रतिस्थापन से जब आर से कौन जुड़ा? ऑक्सीजन, तो क्या बना? एल्किल नाइट्राइट। ठीक है, जबकि इस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन इसके साथ कराएं
ठीक है। तो ये कंपाउंड आयनिक है, तो इसमें करेक्टर ज्यादा किसके हुए, ये कंपाउंड यहां पे कोवलेंट, कोवलेंट करेक्टर यहां पे ज्यादा होने के कारण इसका आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल कौन है, ये नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन यहां पे अटैक करेगा, तब यहां से एक्स का प्रतिस्थापन हो जाएगा, अर्थात आर से कौन जुड़ा, एन, तो क्या बना, नाइट्रोएल्केन, ठीक है। और यहां से जब नाइट्रोजन यहां से जुड़ेगा तब एजी निकल जाएगा, अर्थात यहां से एजीएक्स निकल गया। तो बात समझ में आ गई होगी आपको अब कि भाई एल्किल हैलाइड की रिएक्शन पोटेशियम नाइट्राइड के साथ करें तो एल्किल नाइट्राइड बनेगा, और जबकि सिल्वर नाइट्राइड के साथ करें तो नाइट्रोएल्किल बनता है, क्यों, क्योंकि ये कंपाउंड आयनिक है, ये कंपाउंड कोवलेंट आयनिक है, तो इसका अर्थ के प्लस ONO बना, न्यूक्लियोफाइल कौन है, O माइनस NO, अर्थात इस न्यूक्लियोफाइल का आक्रमणकारी परमाणु कौन होगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहां पे आक्रमण करेगा, इसका प्रतिस्थापन करेगा, तो एल्किल नाइट्राइड बन जाएगा, और ये कंपाउंड में आयनिक से कोवलेंट करेक्टर ज्यादा हो गया, इसलिए इसमें आक्रमणकारी परमाणु कौन हुआ, नाइट्रोजन, लोन पेयर किस पर है, नाइट्रोजन पर, ये यहां पे आक्रमण करेगा, एक्स का प्रतिस्थापन करेगा, नाइट्रोएल्केन बन जाएगा। हाँ, फिर से एक बात और ध्यान रखनी यहां पर, जैसे कि अपन यहां पे बात करें कि भी इसके अंदर एल्किल हैलाइड जो है ये कौन सी रिएक्शन है, SN1 है या SN2, तो यहां पर अपन इन रिएक्शनों के बारे में ये अभी सब जगह नहीं बता पाएंगे इनके अंदर के कौन सी SN1 है या SN2 है, क्योंकि अपन को ये भी पता नहीं है कि इसमें एल्किल हैलाइड क्या है, क्या सॉल्वेंट है, ये सारी बातें क्लियर नहीं है। केवल अपन ये यहां पर ये बताना है आपको कि भाई ये कोई भी एल्किल हैलाइड है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कराएं तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया से क्या बनेगा, चाहे SN1 से हो या चाहे SN2 से हो, प्रतिस्थापन से क्या बनता है। तो जैसे कि यहां पे पोटेशियम नाइट्राइड के साथ कराएंगे तो एल्किल नाइट्राइड बनेगा, और यहां पर सिल्वर नाइट्राइड के साथ कराएंगे तो नाइट्रोएल्किन बनेगा। इस प्रकार से, और जैसे ये कंपाउंड लिया, ये इथाइल ब्रोमाइड ले लिया, तो सेम बात है यहां पर, इथाइल ब्रोमाइड ले ले की रिएक्शन यहां पर भी कराएंगे तो वो सेम बात है, ये आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल यहां आक्रमण करेगा और यहां से बीआर का प्रतिस्थापन करेगा तो इथाइल नाइट्राइड बन जाएगा। इसी प्रकार ये कंपाउंड कोवलेंट है तो इसमें आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल कौन है, नाइट्रोजन, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करते हुए यहां आक्रमण करेगा और यहां से इसका प्रतिस्थापन करेगा तो ये बन जाएगा। इसी प्रकार एल्किल हैलाइड की एक्वस क्यूएस के साथ करेंगे तो यहां पे ये आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH, ये यहां पे आक्रमण करेगा तो एक्स का यहां से प्रतिस्थापन हो जाएगा, नाभिक शनि प्रतिस्थापन से क्या बन जाएगा, एल्कोल। इसी प्रकार एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ कराएं, थायोएल्कोल, तो Na प्लस एच माइनस न्यूक्लियोफाइल कौन है, ये आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल यहां पे आक्रमण करेगा और यहां से एक्स का प्रतिस्थापन करेगा तो क्या बन जाएगा, RH SH, अर्थात थायोएल्कोल। इसी प्रकार एल्किल हैलाइड की रिएक्शन इसमें सोडियम इथोक्साइड के साथ यदि कराएं तो आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल कौन है, C2H5O-, ये आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल यहां पे ये आक्रमण करेगा तब यहां से एक्स का प्रतिस्थापन करेगा अर्थात क्या बन गया, ईथर। और यदि ये लें C2H5S-Na+ तो ये न्यूक्लियोफाइल यहां पे आक्रमण करेगा तब एक्स का प्रतिस्थापन हो जाएगा अर्थात आर से कौन जुड़ा, सल्फर, तो क्या बन गया, थायोईथर। तो ये क्या बन गया, थायोईथर, अर्थात इसके साथ ईथर, इसके साथ थायोईथर। इसी प्रकार एल्किल हैलाइड की रिएक्शन RCOO-Ag के साथ कराएं तो आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल ये ऑक्सीजन या न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करते हैं, आक्रमण करेगा और यहां से एक्स का प्रतिस्थापन करेगा, आर से कौन जुड़ेगा, ऑक्सीजन, तो बन गया ROCOR अर्थात एस्टर, ठीक है। इसी प्रकार एल्किल हैलाइड की रिएक्शन यहां पर अपन नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराएं तो क्या बनेगा, तो नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ यदि अपन कराएंगे, नम सिल्वर ऑक्साइड का अर्थ हुआ कि सिल्वर ऑक्साइड प्लस AgOs H2O, ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड प्लस H2O, तो सिल्वर ऑक्साइड प्लस H2O मिलके क्या बना देते हैं, AgOs। तो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ कहें या AgOs के साथ कहें तो आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल कौन हुआ इसमें, OH, ये यहां पे आक्रमण करेगा, एक्स का प्रतिस्थापन हो जाएगा, क्या बन जाएगा यहां पर, एल्कोल, ठीक है भाई। इसी प्रकार यहां पे यदि अपन अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएं, ठीक है, तो अमोनिया के साथ कराएंगे तो भी आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल कौन हुआ, अमोनिया, तो आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल अमोनिया, ये यहां पर न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करते हुए
आक्रमण करेगा, एक्स का प्रतिस्थापन करेगा। तो आर से जब नाइट्रोजन जुड़ेगा तो नाइट्रोजन पे प्लस आ जाएगा, तो यहां से क्या निकलेगा एच और यहां से एक्स अर्थात एस एक्स निकल जाएगा। कौन सी अमीन बन जाएगी? वन डिग्री अमीन। एक और ध्यान रखना, जैसे अपन कहें यहां पर ये एल्किल हैलाइड लें और यहां पे नम सिल्वर ऑक्साइड लिया है, नम सिल्वर ऑक्साइड की जगह यदि अपन ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराई जाए, यदि ड्राई सिल्वर ऑक्साइड लें ये एजी लिया और इसके अंदर अपन यहां पे ड्राई ये सिल्वर ऑक्साइड ले लें, इसकी रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ अपन यहां पे लें, तो इसके अंदर ध्यान रखना इस दर से यहां पे AgX ये निकल जाएगा और यहां से भी ये AgX निकल जाएगा और ये बन जाएगा ROR अर्थात ईथर और यहां पे AgX ये निकल जाएगा। तो कई बार ये भी पूछते हैं कि भाई यदि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराएं तो क्या बनेगा, तो नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराएंगे तो बनता है एल्कोल और ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराएंगे तो क्या बनता है यहां पर ईथर, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट, अब जैसे अपने का भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते हैं तो नाभिक शनि प्रतिस्थापन अभिक्रिया के फलस्वरूप 1 डिग्री एल्कोल बनता है, ठीक है। अब उसमें एक और ध्यान रखना है कि भाई एल्किल हैलाइड को यदि आधिक्य में ले लें तो वो अभिक्रिया और आगे संभव है, अर्थात एल्किल हैलाइड को आधिक्य में लें तो जो उत्पाद बनेगा वो बना हुआ उत्पाद वापस एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करेगा और नाभिक शनि प्रतिस्थापन अभिक्रिया के फलस्वरूप आगे 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री और लास्ट में जाके शतुष्क अमोनियम लवण बन जाता है। जैसे कि अपन आगे देखें इस एग्जांपल को, जैसे ये लिया अपने, ठीक है। अब मैं यहां पे कह रहा हूं कि ध्यान रखना इसको अपन ने एक्सेस में लें अर्थात आधिक्य में लें, ठीक है ना, ध्यान रखना को इस एल्किल हैलाइड को किस में ले रहे हैं आधिक्य में। तो सबसे पहले यहां पे जो अमोनिया लिया गया है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करते हुए यहां आक्रमण करेगा, इसका यहां से बीआर का प्रतिस्थापन हो जाएगा। जब अमोनिया यहां से जुड़ेगा तो यहां से क्या निकल जाएगा एच प्लस निकल जाएगा, एच प्लस और बीआर माइनस ये निकल जाएगा, एच बीआर बन जाएगा और एमीन कौन सी बन गई यहां पर 1 डिग्री एमीन, ठीक है भाई। अब जो उत्पाद के रूप में 1 डिग्री एमीन बनी है, ये बनी 1 डिग्री एमीन क्योंकि एल्किल हैलाइड किसमें लिया आधिक्य में, तो ये बना उत्पाद जो है ये वापस एल्किल हैलाइड के साथ आगे और रिएक्शन कर लेगा अर्थात यहां पर ये आक्रमण करेगा और इसका यहां से जब यहां आक्रमण करेगा तो इसका यहां से क्या हो गया बीआर का प्रतिस्थापन हो जाएगा और जब ये नाइट्रोजन इससे जुड़ेगा तो एमीन कौन सी बन गई 2 डिग्री। अब फिर से ध्यान रखने एल्किल हैलाइड किसमें लिया गया आधिक्य में, ठीक है, तो ये बना 2 डिग्री एमीन, फिर न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करते हुए यहां पे फिर से यहां आक्रमण करेगा और यहां से इस बीआर का प्रतिस्थापन कर देगा, ठीक है। तो यहां से नाइट्रोजन से कौन जुड़ जाएगा CH3 और यहां से क्या निकल जाएगा H प्लस और यहां एच बी आर निकल गया अर्थात कौन सी अमीन बन गई यहां पर ये कौन सी अमीन आ गई ये 3 डिग्री अमीन आ गई, ठीक है ना, ये 3 डिग्री अमीन हो गई। अब ये 3 डिग्री अमीन फिर यहां पर रिएक्शन करेगा इसके साथ तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करते हुए फिर यहां आक्रमण करेगा और यहां से बीआर का प्रतिस्थापन हो जाएगा अर्थात CH3 यहां जुड़ जाएगा। तो CH3 यहां जुड़ेगा नाइट्रोजन पर तो हाइड्रोजन तो है नहीं, एच प्लस निकल नहीं सकता है, इस नाइट्रोजन पर क्या आ गया प्लस, ये नाइट्रोजन प्लस आ गया और बीआर माइनस इसे जुड़ गया अर्थात प्लस माइनस ये क्या बन गया लवण बन गया अर्थात इसको क्या कहेंगे शतुष्क अमोनियम लवण। तो जरा ध्यान दीजिए कि भाई एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराए तो यदि एल्किल हैलाइड अपने कम मात्रा में लें और अमोनिया को एक्सेस में ले लें तो अपन कहेंगे जनरली रिएक्शन 1 स्टेप में होगी और मेजर प्रोडक्ट के रूप में अपन कह सकते हैं 1 डिग्री एमीन बनेगा। और यदि एल्किल हैलाइड को आधिक्य में ले लें, ठीक है ना, तो यहां पर अमोनिया जैसे न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करते हैं उसका प्रतिस्थापन करेगा 2 डिग्री 1 डिग्री एमीन बनेगी, पहले बनी 1 डिग्री एमीन फिर एल्किल हैलाइड के साथ नाभिक शनि प्रतिस्थापन 2 डिग्री एमीन 2 डिग्री एमीन फिर एल्किल हैलाइड के साथ नाभिक शनि प्रतिस्थापन 3 डिग्री एमीन 3 डिग्री एमीन फिर न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करते हुए एल्किल हैलाइड के साथ नाभिक शनि प्रतिस्थापन अभिक्रिया करेगी और 4 डिग्री अर्थात शतुष्क अमोनियम लवण बन जाएगा, ठीक है। तो ये अपने कुछ
एल्किल हैलाइड की नाभिक शनि प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं लिए, जो कि अपन कह रहे हैं कि नाभिक शनि प्रतिस्थापन अभिक्रिया से इस प्रकार साइनाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्रो, नाइट्राइड, एल्कोल, थायोएल्कोल, ईथर, एस्टर, ठीक है, एमीन, ये सारे उत्पाद के रूप में अपन प्राप्त कर सकते हैं। अब एक पॉइंट और अपन देखें भी, जैसे कि एल्किल हैलाइड जो है वो धातुओं के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा इससे पहले वुड्स रिएक्शन की पढ़ी थी, ठीक है, इसमें कोरे हाउस रिएक्शन पढ़ा, वुड्स रिएक्शन पढ़ा, जहां मेटल के साथ रिएक्शन ही ली थी अपने, इसी प्रकार से आगे एल्किल हैलाइड यहां पर अपन रिएक्शन लें जिंक के साथ, ठीक है, मैग्नीशियम के साथ। तो जिंक के साथ यदि लें तो इसके अंदर ध्यान देना, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं इसको, जैसे भाई ये एल्किल हैलाइड लिया ये कोई भी, और इसकी रिएक्शन अपन यहां पर जिंक के साथ कराएं, ठीक है, यहां पर इसकी जिंक के साथ कराएं, जैसे एल्किल हैलाइड के दो मोल लिए गए, ठीक है, और जिंक के भी कितने मोल लिए गए हैं, दो मोल लिए गए हैं। तो यहां पर ये एल्किल हैलाइड दो मोल जिंक के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, इससे ये बन जाएगा टू मोल अपन लें इसके, तो ये आ गया यहां पे R2ZN, ठीक है, क्या बन गया R2ZN। जैसे ये इथाइल ब्रोमाइड लिया जिंक के साथ रिएक्शन कराई यहां पर, ठीक है, तो क्या बन जाएगा डाई इथाइल जिंक, डाई एल्किल जिंक, ठीक है, तो ये एक अपने कहेंगे फ्रिंकलैंड रिएजेंट, जिसको कहते हैं क्या कहेंगे, फ्रिंकलैंड रिएजेंट, ठीक है, ये जो रिएजेंट बनता है इसको कहते हैं फ्रिंकलैंड रिएजेंट। तो जिंक के साथ रिएक्शन कराने पर ये कार्धातुक यौगिक बना, कार्धातुक यौगिक कहते हैं जहां मेटल डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा हुआ हो, उसको क्या कहते हैं कार्धातुक यौगिक, जहां मेटल डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा हुआ हो कार्धातुक यौगिक बनता है, और ये R2ZN ये क्या कहलाएगा, फ्रिंकलैंड रिएजेंट, ठीक है। इसी प्रकार एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराएं ड्राई इथर की प्रेजेंस में, ये भी आपने पहले पढ़ा था, तो क्या बन जाएगा यहां पर RMGX, इसको क्या कहते हैं ग्रिग्नर्ड रिएजेंट, ठीक है, जैसे कोई भी ले लें R एथिल मेथिल ब्रोमाइड, एथिल मेथिल प्रोपिल ब्यूटिल कोई भी ले लें, और है कोई भी एल्किल हैलाइड लिया तो मैग्नीशियम के साथ कराएंगे ड्राई इथर के साथ सोलवेंट की प्रेजेंस में, या अपन अगला जो हैलाइड के बाद अगला टॉपिक जो एल्कोल आएगा उसके साथ अपने ग्रिग्नर्ड रिएजेंट की बात करेंगे, तो ये भी वहां पे सारी बात आएगी। तो अभी यहां पर ध्यान रख सकते हो कि एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम के साथ कराएंगे तो बनता RMGX, जिस ठीक है ना, ये R के रूप में मैथिल लेंगे तो मैथिल आयोडाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराएंगे तो मैथिल में बन जाएगा मैग्नीशियम आयोडाइड, ठीक है। तो ये कार धातु योगी के जहां पर अपन कह सकते हैं मेटल जो है वो डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो उन यौगिकों को अपन कार धातु योगिक अर्थात ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। थैंक यू।